भिंडी का सैलड बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम भिंडी, जिसको मैंने अच्छी तरीके से धोकर पोंछ लिया हुआ है। अब मैं इसको पतले पतले स्लाइस में कट कर लेती हूँ। मैंने भिंडी को बिल्कुल पतले स्लाइस में कट किया हुआ है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी टर्मरिक पाउडर, साथ ही मैं डालूंगी सॉल्ट और मैं इसे अच्छी तरीके से मिला दूंगी। मिलाने के बाद मैं इसे 5 मिनट के लिए मैरिनेट होने दूंगी। भिंडी को मैरिनेट होते हुए लगभग 5 मिनट हो चुका है और इधर तेल भी गर्म हो चुका है, तो चलिए मैं इसे सबसे पहले फ्राई कर लेती हूँ। इसे बिल्कुल हाई फ्लेम के ऊपर क्रंची होने तक फ्राई करके रेडी कर लेना है। मैंने इस भिंडी को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके रेडी कर लिया है, तो चलिए मैं इसे प्लेट में डाल देती हूँ और बाकी के बचे हुए भिंडी को भी फ्राई करके रेडी कर लेती हूँ। मैंने सभी भिंडी को फ्राई करके रेडी कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी स्लाइस किया हुआ अनियन और टमाटर। मैं डालूंगी हरी मिर्च, कोरिएंडर लीफ, साथ में डालूंगी नींबू का रस, काला नमक, ब्लैक सॉल्ट। अब मैं इन सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला देती हूँ। इस तरह मैंने भिंडी सैलड को सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। प्लीज़ आप एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।